Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अभी हम स्टेट का अकाउंट का 11वां दाखला सीख चुके हैं इससे पहले के पीरियड में. अभी हम अकाउंट का 12वां दाखला सीखेंगे. हमारा ये चैप्टर के कुछ 8-9 दाखले बाकी है. जैसे ही ये चैप्टर के दाखले खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह अकाउंट का 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे और स्टेट का इंशाल्लाह दूसरा पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे. सेमेस्टर 2 का दूसरे सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे. अभी यहां पर हम दाखला नंबर 12वां दाखला शुरू करेंगे. हम सॉरी 11वां दाखला 11वां दाखला यहां पर शुरू करने वाले हैं. तो मून स्टार और सन एक पेढ़ी ना भागीदार છે. 31/3/2017 ના રોજ સન નિવૃત્ત થાય છે. મૂન અને સ્ટાર ભવિષ્યમાં નફો નુકસાન 5:1 ના પ્રમાણમાં રહેશે. જલ્દી यहां पर ये एक पेढ़ी के भागीदार हैं जिनका नफा नुकसान का प्रमाण नहीं दिया हुआ. जिनका पुराना नफा नुकसान का प्रमाण नहीं दिया हुआ. पहले ही चैप्टर में पार्टनरशिप के भागीदारी और प्रवेश में आपको बताया था अगर नफा नुकसान का प्रमाण नहीं दिया हुआ हो तो पार्टनर सरके हिस्से में नफा नुकसान बांट रहे हैं ऐसा समझ लेना है. एक सरके हिस्से में नफा नुकसान बांट रहे हैं. नया नफा नुकसान का प्रमाण कितना है? 5:1. ये जो पार्टनर है ये निवृत्त हो रहा है. आगे बढ़ेंगे. मून और स्टार भविष्य में नफा नुकसान बेचे 5:1 ना प्रमाण में बेच से 31/3/2017 ना रोज तेमी पेढ़ी में पाको सर्वाई नीचे मुजब हतो. मूड़ी खाता दिया हुआ है मून स्टार और सन का. सामान्य अनामत दी हुई है लैंडगार देवी हुंडी मकान यंत्र फर्नीचर स्टॉक दीवादार और बैंक. पेढ़ी ने पावड़ी का मूल्यांकन 60,000 कर लो. यहाँ पर पावड़ी कितनी दी हुई है? 60,000. तो इसके हिस्से की पावड़ी कितनी होगी? एक के तकसीम में 3. कितनी पावड़ी होगी इसके हिस्से की? 20,000. अब ये पार्टनर पुराने पार्टनर पावड़ी देने वाले हैं तो नव प्रमाण नया प्रमाण कितना है? 5 के तकसीम में 6 और पुराना प्रमाण सन और मून ये दोनों कितनी पावड़ी देंगे ये हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं. तो लाभ का प्रमाण का जाप्ता आपको पता है नवो माइनस जूनो. तो नया प्रमाण दिया हुआ है 5 के तकसीम में 6 और पुराना प्रमाण दिया हुआ है 1 के तकसीम में 3. अभी हम 3 × 6 × 3 × 6 × 6 तकसीम करेंगे. 6 × 6 = 5 और 3 × 1 = 3 यानी तकसीम में आएगा 6 × 2 के तकसीम में 6. नया नफा नुकसान के प्रमाण में से पुराना नफा नुकसान का प्रमाण लसा निकालेंगे. दोनों के छेद सरके करेंगे. जो छेद में आया उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर आएगा 2 × 1 = 2 आने वाला है सॉरी. और यहाँ पर आएगा 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3. 3 के तकसीम में आएगा 6. अब इसके बाद हम दूसरा हिस्सा निकालेंगे 1 के तकसीम में 6 और यहाँ पर 1 के तकसीम में 3. दोबारा यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा -2 के तकसीम में 6. इसका हिस्सा तो माइनस में आने वाला है. इसका हिस्सा माइनस में आने वाला है क्योंकि 1 में से 2 जाएगा. 2 × 1 = 2 1 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना? -1 के तकसीम में 6. माइनस में आने का मतलब क्या हुआ? माइनस में आने का मतलब मैंने आपको बताया है. माइनस में आने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उसको नफा नहीं हुआ है नुकसान हुआ है त्याग हुआ है. तो अब यहाँ पर जो पागड़ी है वो ये नया पार्टनर 3 के तकसीम में 6 1 का हिस्सा 1 का हिस्सा 1 के तकसीम में 6. ये 30,000 की पागड़ी इस पार्टनर को मिलेगी. ठीक है. एक पार्टनर जो जाने वाला है उसको 30,000 की पागड़ी मिलने वाली है. अब दूसरा जो पार्टनर स्टार जिसको नुकसान हुआ है वो भी पागड़ी लेगा. चलो अब यहाँ पर पागड़ी निकालेंगे. टोटल 60,000. समझ में आ रहा है आपको कि फिर से एक बार और करके बताऊं यहाँ पर? ठीक है, एक बार और करके बता देती हूँ. मून स्टार और ये सन टोटल 60,000 की पागड़ी मिलने वाली है. अब इनका नफा नुकसान का प्रमाण है 5 के तकसीम में 6 और यहाँ पर ये 1 के तकसीम में 3. इसको 2 से जब करेंगे तो 5 के तकसीम -2 के तकसीम में 6 यानी 3 के तकसीम में 6. ये हो गए
સા પ્રમાણ દૂસરા એક કે તકસીમ મે છે એક કે તકસીમ મે તીન ઇસકો લસા નિકાલેંગે લસા નિકાલના મેને આપકો પહેલે હી બતા દિયા હૈ યહાં પર આયેગા માઇનસ 1 કે તકસીમ મે 6 ઓર યહાં પર ઇસકે ભાગ કી ભાગલી એક કે તકસીમ મે તીન હૈ ઠીક अब ये यहां पर इसका हिस्सा निकला इसका हिस्सा निकला और ये इसका हिस्सा निकला तीनों के छेद हमको संख्या करने हैं तीन के तकसीम में 6 के तकसीम में 6 एक के तकसीम में 3 दिया हुआ है तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 2 का 2 तो यहां पर हो जाएगा 9 के तकसीम में 6 हो गया 2 के तकसीम में 6 यहां पर 6 2 से तकसीम किया 2 एक का 2 कर दिया 2 के तकसीम में 6 अब ये देखो ये पैटर्न तो जाने वाला है ठीक है तो जो पैटर्न जाने वाला है उसको हमको पागड़ी देनी पड़ेगी तो हम यहां पर उसको कितनी पागड़ी देंगे दूसरा हिस्सा कितनी पागड़ी देंगे दूसरा हिस्सा अब ये जो पार्टनर धंधे में बैठा हुआ है उसको भी नुकसान होने वाला है तो उसको कितना हिस्सा देना पड़ेगा एक हिस्सा दो और एक मिला के कितने होते हैं तीन तीन हिस्से ये तीन हिस्से कौन देगा ये तीन हिस्से कौन देगा ये तीन हिस्से पार्टनर मून देगा पहला पार्टनर बाकी के पार्टनर को हिस्से देगा अब आप निकाल सकते हैं पावड़ी साइन हजार की पावड़ी में से तीसरा हिस्सा ये देने वाला है कितना देगा 30,000 जिसमें से 20,000 की जिसका दो हिस्से है उसके 20,000 हो गए जिसका एक हिस्से है उसके 10,000 हो गए तो ये जो जाने वाला है सन मून स्टार तो कौन जाने वाला है मून स्टार और सन तो ये सन जो जाने वाला है उसको 20,000 देगा और ये जो स्टार है उसको 10,000 देगा ये एक पार्टनर दोनों पार्टनर को पागड़ी देने वाला है क्यों क्योंकि एक पार्टनर की पागड़ी जो निकलने वाला है उसकी पागड़ी की रकम तो आएगी ही आएगी लेकिन जो धंधे में बैठा है उसको भी त्याग नुकसान होने वाला है तो उसको भी हिस्सा मिल जाएगा आगे का वाला लेट द रेट मास बाद चुकवाना छे जेने तरत वार्षिक 12 टका वटावे वार्षिक 12 टका वटावे चुकवी आपा ये हवाला नया है लेट द कितने है 60,000 अब ये जो लेट द है उसको हमको पैसे चुकाने हैं कब पैसे चुकाने हैं एक महीने के बाद चुकाने हैं लेट द को हमको एक महीने के बाद चुकाने हैं लेकिन हवाले में दिया हुआ है जेने तरत वार्षिक 12 टका वटावे चुकवी आपा उसको फौरन हम चुका देंगे एक महीने बाद चुकाना है लेकिन हम उसको फौरन चुका देंगे फौरन चुका देंगे तो हमको छूट मिलने वाली है कितनी छूट मिलने वाली है 12 टका छूट मिलेगी अभी हमारे को किसी के पास से पैसा लेना है नगद कैश अर्जेंट में ले लेंगे तो वो हम उसको 100-200 की छूट देंगे अगर हमको किसी को पैसा देना है तो हम उसको 100-200 की छूट देंगे तो अब यहाँ पर जो पार्टनर है वो पार्टनर जो लेंडर है सॉरी लेंडर है वो लेंडर को फौरन पैसा चुका देंगे तो हमको 12% की छूट मिलने वाली है 12% की छूट कैसी है वार्षिक है कैसी है वार्षिक छूट ठीक है अब यहाँ पर एक साल की छूट जब 12% होगी तो एक महीने की कितनी होगी देखिए तकसीम में 12% के लिए 12 तकसीम में 100 और एक महीने की ये गिनती भी आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कितनी छूट होगी यहाँ पर 600 रुपये की छूट चोपड़े मानीवाड़े तीसरा हवाला चोपड़े मानीवाड़े कंप्यूटर की कीमत 12,000 करनी और नया कंप्यूटर मून लाई जैसे मून ये कंप्यूटर ले जाने वाला है सन ने निवृत्ति बार मून ने स्टार प्रेमी मूवी नफा नवा नफा नुकसान ना प्रमाण में रख से ये मूवी जो टोटल आ रही है वो नए नफा नुकसान के प्रमाण में रख रही है हवाला नया है तफावत की रकम बैंक खाते ले जाती चलो अभी हम यहाँ पर हवाले की गिनती करेंगे हवाले की दाखिले की सभी चीज़ की हम यहाँ पर गिनती स्टार्ट करेंगे मूड़ी खाते की बाकी लिखेंगे सबसे पहले मूड़ी खाते की बाकी यहाँ पर दी हुई है 1,60,000 2,00,000 और 1,80,000 बाकी आगे लाए 1,60,000 2,00,000 और 1,80,000 सामान्य अनामत को तकसीम कर
करना है, तीन हिस्से में, तीन सरखे हिस्से में सामान या अनाज को तकसीम करेंगे। 30,000, 30,000, 30,000, 90,000 को तीन सरखे हिस्से में तकसीम करेंगे। अब लैंडर, लैंडर की बात की हम यहाँ पर लिखेंगे, लैंडर कितने दिए हुए हैं, 60,000 के लैंडर दिए हुए हैं, जिसके ऊपर हमको छुट्टी की मिली है। और सॉरी लैंडर तो हम पैसे का लेने वाले हैं, लैंडर अब यहाँ पर नहीं आएंगे, मुझे देवा बाजू को लैंडर नहीं आएंगे, क्योंकि लैंडर को तो हम पैसे चुका देने वाले हैं। तो अब ये लैंडर हमारे आगे नहीं बढ़ेंगे, ये लैंडर हम यहीं पे खत्म कर देने वाले हैं। तो पैसे हम चुकाएंगे, हमारे पास ये नकद जाएगी, हम पैसे चुका देंगे, हमारे पास ये नकद जाएंगी, 49,400। हम तो यहाँ पर 60,000 में से 600 रुपये की छूट मिलेगी ना, 80 कटाओ 600 रुपये की छूट मिलेगी, तो 49,400 चुकाने पड़ेंगे, और बाकी के छूट जो 600 रुपये की है वो हमारा इजाफा है। तो वो हम यहाँ पर फायदा जो हुआ है वो हम यहाँ पर पुनः मूल्यांकन के खाते में जमा बाजू पर लिख देंगे। देवी हुंडी इसमें कोई हवाला नहीं है, इसको सीधे सीधा पापा सरवैया में यहाँ पर लिखेंगे, देवी हुंडी 10,000। अब इसके बाद है मकान, मकान में भी कोई हवाला नहीं है, 2,40,000 जैसा है वैसा लिख देंगे, मकान 2,40,000। उसके बाद है यंत्र, यंत्र की कीमत 1,30,000, फर्नीचर की कीमत 80,000, ये भी जैसा है वैसा लिख देंगे, 1,30,000 और फर्नीचर की कीमत 80,000। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक में भी कोई हवाला नहीं है, स्टॉक की कीमत 45,000 जैसी है वैसे लिख देंगे, स्टॉक कोई हवाला नहीं है, 45,000। उसके बाद है देवादार, देवादार में भी कोई हवाला नहीं है, 30,000 देवादार हमारे, 30,000। बैंक की बाकी दी हुई है 1,75,000, बैंक की बाकी 1,75,000। अब हवाले की तरफ आएंगे, पेड़ी की पागड़ी में मूल्यांकन 60,000 का, चलो पागड़ी बांट ही देते हैं। अब हम यहाँ पर नाम क्या है, सन, अब यहाँ पर दोनों को पागड़ी बांटनी है, किसी एक को नहीं बांटनी है, दोनों को बांटनी है। यहाँ पर ये पार्टनर को कितने मिलेगी, ये बेचारा ये भी नुकसान उठाने वाला है, सन मून स्टार, मून सन स्टार, मैंने गलत लिखा है क्या, मून है सन है और ये स्टार है, ठीक है, ये मून है ये सन है और ये स्टार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पागड़ी मून देने वाला है सबको, एम नाम होनी खाते इसको किसको देने वाला है, एक इसको देगा 10,000 और एक इसको देगा 20,000। अब ये पार्टनर युद्धा राजू पर हम यहाँ पर लिखेंगे, एस वन नाम नहीं खाते ये इसको कितने देगा 10,000 और एस टू नाम नहीं खाते इसको कितने देगा 20,000। हो गए इसके बाद में हमारी एंट्री, इसीलिए लैंडर है एक मास बाद चुका पाना चाहिए, चलो लैंडर, लैंडर वाला हवाला हमारा यहाँ पर हो गया है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, चौपड़े मांडी वाले कंप्यूटर की कीमत 12,000 बनी, जो कंप्यूटर ऐसा जिसको हमने चौपड़े में से ख़त्म कर दिया था, मतलब चौपड़े हिसाई गिन 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 के उसको माइनस कर दिया था, जैसे कि 10,000, 20,000, 30,000 का कंप्यूटर होगा, तो हिसाई हमने 5-6 साल तक गिना करी तो उसकी कंप्यूटर की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन हमारे पास वो वैल्यू है, वो जो कंप्यूटर है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो स्टॉक में पड़ा हुआ है वो कंप्यूटर हमारे हिसाब में नहीं बता रहा है, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर की कीमत कितनी बता रहा है, 12,000 बता रहा है। तो ये 12,000 का कंप्यूटर कौन लेके जाने वाला है, मून, मून लेके जाने वाला है। तो कंप्यूटर इसके खाते में उधार बाजू का लिखेंगे, कंप्यूटर खाते 12,000 में मून लेके जाएगा, और ये 12,000 कंप्यूटर के मिलेंगे, ये हमारा इजाफा हुआ, ये हमने जमा बाजू पर लिख दिया दोबारा 10-20 के खाते में। यहाँ पर सारा हवाला हो गया। अब हम निवृत्ति के बाद दावा प्रमाण, अब हम
200 इतना मुफायगा क्यों? क्योंकि ये लोग सबके हिस्से में बांटने वाले हैं। 12,600 के तीन हिस्से करेंगे जब हम लोग, तो इस तरह का नफा बढ़ेगा। पुनः मूल्यांकन के खाते में नफा, नफा कितना? 4,200 हो गया। अब क्या करना है? बाकी निकालनी है। चलो अब हम यहाँ पर बाकी निकाल, जमा बाजू के टोटल में से उधार बाजू का टोटल माइनस करेंगे और फिर हम यहाँ पर बाकी निकालेंगे। पहला खाता हमारा यहाँ पर बंद हो गया है, 160,000 प्लस 30,000 प्लस 4,500 कितना है टोटल? 194,200। बस अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 194,200। पार्टनर एम, पार्टनर एस वन और पार्टनर एस टू, तीनों का अलग अलग करेंगे। पर अब यहाँ पर हमारा कुछ नया है जो हमको ध्यान से देखना है, उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। बचा है कितना? यहाँ पर हमारा बचा 194,200 में से 10,000 माइनस 32,000 माइनस, हमारे पास बचा 152,200। हमारे पास यहाँ पर कितना बचा? 152,200। उधार बाजू में से जमा बाजू माइनस कर दी तो हमारे पास कितना बचा? 152,200। उधर जमा बाजू पर, उधार बाजू पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ टोटल करेंगे। 200,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 4,500 कितना हुआ? 200,000। इसका टोटल हुआ 244,200। 180,000 30,000 20,000 4,500 2,34,200। इसका टोटल कितना हुआ? 2,34,200। अब इसका टोटल जितना भी हो ये जाने वाला है, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसकी लोन का सीधे सीधा लिख देंगे, स्टोनी लोन खाते। इसकी लोन का हिसाब हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, 2,34,200। इसको इतनी लोन मिल जानी चाहिए, स्टोनी लोन खाते 2,34,200। इतना हिसाब हमारा इसका हो गया है। ये जो जाने वाला है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको जितने पैसे उतने चुका देने हैं। अब जो यहाँ पर रहने वाला है 2,44,200, इसमें से हमने बाकी निकाली है। यहाँ पर एक पार्टनर है एम, दूसरा पार्टनर है एस वन, तो उधार बाजू में से जमा बाजू में से उधार बाजू को माइनस किया तो दोनों की बाकी निकली है। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? 0,0,4,4,2,6,4,5,9 3,96,400। इतना यहाँ पर टोटल हो रहा है 3,96,400। ये जो 3,96,400 है उसको हमारे को आखिरी हवाले में दिया हुआ है कि नए नफा नुकसान के प्रमाण में पूंजी को रखना है। नए नफा नुकसान के प्रमाण में पूंजी रखेंगे। नया नफा नुकसान का प्रमाण हमको दाखिले में दिया हुआ है 5,6,1। इस तरह की कुछ बाकी आ रही है, 3,30,333। 3,96,400 और इसकी बाकी आ रही है 66,000 इतनी बाकी आ रही है। तो हमको यहाँ पर इस तरह की बाकी लिखनी है, बाकी आगे ले गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। उधार बाजू के जमा बाजू के टोटल में से उधार बाजू का टोटल माइनस किया, यहाँ पर लिखा। उधार बाजू के टोटल में से जमा बाजू कुछ है नहीं, माइनस भी कर देते तो यहाँ पर लिखा। अब ये जो टोटल मूड़ी है कुल मूड़ी,
और दूसरे की बाकी है 66,000, 3,33,033, 3,30,033, 0333 में कंफ्यूजन है, 3,30,333 इस तरह के कुछ बाकी है। अब यहाँ पर बैंक खाते बचा कुचा लेके जाएंगे बैंक खाते में, यहाँ पर भी बचा कुचा लेके जाएंगे बैंक के खाते में, इसका टोटल ज्यादा है, इसका टोटल ज्यादा है, इसका ये इसका दोनों का टोटल सेम करना है हमको, दोनों का टोटल हमको यहाँ पर सेम कर देना है। इसका और 1,94,200 3 और ये 1, 12, 4, 8, 6, 9, 7 और यहाँ पर 3 में से 2,78,133 की बाकी आ रही है। ये बैंक के खाते में यहाँ पर जमा बाजू पर घट है तो हम यहाँ पर जमा बाजू पर एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो टोटल है 2,40,000 + 4,200 - 67,000 तो 1,78,133 यहाँ पर आ रहा है, 1,78,133 की घट यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंट्री जमा बाजू पर है उसे हम यहाँ पर उधार बाजू पर लिखेंगे। किसका मुनी खाता है? एन ना मुनी खाता है। उधार बाजू पर लेके जाएंगे, सामने एंट्री करेंगे और यहाँ पर जो एस वन ना मुनी खाते हैं यहाँ पर भी सामने एंट्री करेंगे, वहाँ पर उधार बाजू पर टोटल, यहाँ पर जमा बाजू पर लेके आएंगे 1,78,133। चलो अब बाकी निकालिए, हमको यहाँ पर बाकी निकालेंगे और यहाँ पर बाकी बैंक की यहाँ पर लिख देंगे और मूड़ी की बाकी यहाँ पर लिखेंगे। एक की मूड़ी कितनी है? 3,30,333 और दूसरे की मूड़ी है 66,067। अब बैंक खाते की बाकी निकालेंगे हम, तो बैंक खाते की बाकी बहुत लंबा चौड़ा दाखला है यहाँ पर, सही है, बहुत लंबा चौड़ा दाखला है। करेंगे ताकि आप लोगों को ये दाखला समझ में आए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।